दोस्तों, ये है 3 किलोवाट के ट्रांसफार्म की कॉइल जो हमने पिछली वीडियो में तैयार की थी। आज इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको, आज इसको दिखाएंगे कि इसमें कोर कैसे फिट की जाती है, प्लस इसकी चेकिंग कैसे करते हैं इसमें सप्लाई दे के, और जो LT है हमारी उसके ऊपर कितनी सप्लाई आती है। तो दोस्तों, अब करते हैं इसको शुरू। इसमें डालते हैं कोर, जो 7 नंबर कोर है। आज इस ट्रांसफार्म में 7 नंबर कोर डालेंगे, 7 नंबर कोर में इस ट्रांसफार्म की फिटिंग करेंगे, क्योंकि इस कोयल को हमने 16 नंबर में वाइंडिंग किया था। सिर्फ 16 ही डाली थी शुरू से लेकर लास्ट तक। और इसकी जो LT की सप्लाई निकल रही है, जिसमें इसमें हमने डाली थी 24 नंबर। वैसे तो पिछली वीडियो में हमने सब कुछ बताया है, लेकिन इसमें भी बता देते हैं आपको कि इसको 16 नंबर भी वाइंडिंग किया था। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि इसकी कोयल कैसी थी, कैसे कोयल को बनाया था, तो वो हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे टच करके आप पिछली वीडियो को भी हमारी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने इसमें क्या करना है, एक एक कोर डालें, या फिर दो दो, दो दो भी डाल सकते हैं उसमें, या फिर सिंगल सिंगल भी डाल सकते हैं आप। इसमें से कुछ कोर हमने 3-4 कोर को डबल डबल डालना है, क्योंकि डबल डालने के बाद जब हमारे ट्रांसफार्म की फिटिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद हमारी कोर नहीं डलेगी बीच में। फिर जो हम डबल डालेंगे उनके बीच में से अपनी कोर को अंदर डाल सकते हैं बड़ी आसानी से। वैसे हम इसमें कोर नहीं डाल सकते फिर, क्योंकि हमने ट्रांसफार्म को पूरा टाइट रखना है। अगर टाइट रखेंगे तभी इसकी क्वालिटी बढ़िया होगी और सही काम करेगा, हम ही भी नहीं देगा। दोस्तों, इसकी फिटिंग इसमें आई है जो पूरी, वो डाल दी गई है। अब इसमें थोड़ी एक एक करके आई डालते हैं, बड़ा टाइट करते हैं ट्रांसफार्म को, जिससे अच्छे तरीके से काम करें। फिर इसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसमें आई डालेंगे। अब तो ई डाल रहे हैं इसमें, उसके बाद आई डालेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर सेलेक्ट करें, ताकि आने वाली किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास से मिस ना हो, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो अपने चैनल में डालते रहते हैं। और दोस्तों, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसके ऊपर आपने हल्की हल्की सी चोट मारनी है, ज़्यादा चोट ना मारे इसके ऊपर, वो भी किसी हैमर से चोट ना मारे। अगर हैमर आपने चोट मारनी है, किसी लकड़ के हैमर से या फिर प्लास्टिक के हैमर से चोट मारे इसके ऊपर। अब देख सकते हैं आप, इसकी फिटिंग हो चुकी है। अब इसमें डालना है हमने आई। आई के बाद इसकी करेंगे चेकिंग फिर। अब दोस्तों, एक बात का आपने बिल्कुल भी ध्यान रखना है, अगर आपने ई सिंगल डाली है तो उसके ऊपर आई भी सिंगल डालें, अगर आपने नीचे ई डबल डाली है तो उसके ऊपर डबल ही आई डालें, क्योंकि अगर आपने नीचे डबल ई डाली है और सिंगल आई डालेंगे, उसमें आपका ट्रांसफर आवाज़ करेगा, आवाज़ और हमिंग भी करेगा, प्लस कंपन भी करेगा। इसलिए आप इस प्रकार की कोई भी मिस्टेक ना करें, अगर आपने नीचे ई डबल डाली है तो डबल ही ऊपर आई डालें, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू होता है ट्रांसफार्म के लिए। आप देख सकते हैं हम बारी बारी से इसके ऊपर आई डाल रहे हैं, ये हमने पूरी तरह से डाल दिया है। अब इसके ऊपर चोट मारेंगे, किसी प्लास्टिक के हैमर से या फिर लकड़ के हैमर से आप चोट मार सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि अगर आप लोहे के हैमर से इसके ऊपर चोट मारेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी जो इसकी आई है नीचे, ई है नीचे, वो ख़राब हो जाएगी, वो अपनी जगह से मुड़ जाएगी। इसलिए आप चोट मारें, किसी लकड़ के हैमर से ही मारें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दोस्तों, अब करते हैं इसकी चेकिंग। मीटर को 600 पे कर दिया, एक सप्लाई की तार को हमने यहाँ पर मीटर की काली तार के साथ इसको जोड़ दिया, दूसरी मीटर की हमारे पास ये पिन है। अब आप देखिए, ये हमारे पास अर्थ की ट्रांसफार्म की जो हमने वाइंडिंग की सबसे फर्स्ट में ली थी, वो इसको अर्थ मानते हैं हम।
ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, और ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, और लास्ट का ये 8 नंबर। ये देखिए इस पे 8 नंबर। अब इन सभी पिनों पे सप्लाई चेक करते हैं कितनी वोल्टेज इन पे आ रही है। अब इसकी मेन लीड को लगाते हैं सप्लाई में। फिर इसकी चेकिंग करेंगे एलटी में कितनी सप्लाई आती है इसकी। आप देख सकते हैं दोस्तों मीटर जीरो पे, यहाँ पर हमने सप्लाई की जो 8 नंबर की तार थी इसके साथ हमने इस सप्लाई की तार को जोड़ दिया। अब इस पे इस ट्रांसफार्म के अंदर देते हैं सप्लाई। अब देखिए इसके अंदर सप्लाई आ चुकी है। ट्रांसफार्म में जो सप्लाई है वो 239 वोल्ट। अब चेक करेंगे हम फर्स्ट नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर है हमारा, इसके पास कितनी सप्लाई, 109 वोल्ट। 2 नंबर पे 127, 3 नंबर पे 146, 4 नंबर पे 162, 5 नंबर पे 183, 6 नंबर पे, 6 नंबर पे है 201, 7 नंबर पे 219, और 8 नंबर पे 240। तो दोस्तों ये हो गई थी इसकी पिन चेकिंग जो रोटरी स्विच में लगती है। रोटरी स्विच में दोस्तों कैसे लगती है, जो लास्ट है वो फर्स्ट नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे पे, ये चौथे नंबर पे, ये पांचवें नंबर पे, छठे नंबर पे, सातवें नंबर पे, ये 8वें नंबर पे, सबसे जो सबसे फर्स्ट है वो सबसे लास्ट में लगेगी। अब इसकी करते हैं चेकिंग, जो हमारी थी 12 वोल्ट के लिए हमने सप्लाई इसकी निकाली थी। अब यहाँ से इस लीड को खोल देते हैं, खोल दिया यहाँ से। अब मीटर को कर दिया 200 पे। ये दोस्तों 12 वोल्ट इस पिन पे मिल रही है फर्स्ट और सेकंड पे। अब जो यहाँ पर मिल रहे हैं 22.8 वोल्ट, ये एलटी की सप्लाई होती है। इसके ऊपर ऑटो कट लगाया जाएगा, ऑटो कट का एक सर्किट होगा, सर्किट के ऊपर एक रिले होगी, क्योंकि कई बार क्या होता है ट्रांसफार्म में जब ज़्यादा सप्लाई बनती है उस स्थिति में आपका ट्रांसफार्म ऑटो कट सर्किट होता है वो कट मार देगा और आपके उपकरण जलने से बच जाएंगे, इसलिए इसके ऊपर कट लगाया जाएगा। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।